हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल मैजिक माइंड्स लर्निंग एकेडमी चैनल पे। सो आज के वीडियो में मैं एसबी सर, आप लोग जानते हैं मुझे। अच्छा, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेसिकली उन स्टूडेंट्स के बारे में जो जेईई एडवांस का पेपर देने वाले हैं 2020। ठीक है, 23 अगस्त को जेईई एडवांस का पेपर है। कुछ ऐसी टिप्स जो मुझे लगता है, लाइक मैं एक समय पे जहां पे आप बैठे हो वहां पे मैं बैठा था, मैंने भी जेईई का पेपर दिया था। कुछ चीजें मुझे ऐसी लगती हैं मेरे अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से जो मुझे लगता है आपको बतानी चाहिए, जो आपको हेल्प करेंगी नॉट इवन इन गेटिंग सिलेक्शन बट अपनी रैंक अच्छी करने में। ठीक है, रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सपोज आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, आप मेहनत कर रहे हैं, अगर अपने को डायरेक्शन सही मिले तो अपना रैंक बहुत ही इंक्रीज हो सकता है, अपन रैंक बहुत अच्छी टारगेट कर सकते हैं। कैसे, मैं कुछ टिप्स आपको ये बताऊंगा जिसकी वजह से मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। मेरा खुद अपना एक दोस्त था, विल नॉट टेक आउट द नेम, बट मेरा दोस्त था डैम ब्रिलियंट, एकदम तेज दिमाग, फाड़ एकदम, कोई भी सवाल दे दो ये खत्म, आंसर सीधे देखते ही, और वो ज्यादा शीट किताबों में नहीं लगाते थे, एकदम बेहतरीन। बट उसने 2 साल जेई ट्राई किया था, 2 बार उसने अटेम्प्ट दिया था, उसका दोनों बार जेई सिलेक्शन नहीं हुआ था। इनफैक्ट उसका उस टाइम पे AIEEE होता था NITs के लिए, उसका AIEEE सिलेक्शन भी नहीं हुआ था जस्ट बिकॉज उसको एग्जामिनेशन टेम्परामेंट नहीं था। ठीक है, सेंटर पे जाके उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता था, ठीक है, नर्वस बेसिकली जिसे अपन बोलते हैं। अलग अलग स्टूडेंट्स को कुछ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं अपनी पर्सनल जो बहुत सारे लोगों से हम शेयर नहीं कर पाते हैं। कॉमन प्रॉब्लम्स के ग्राउंड पे मैं आपको 5 टिप्स दूंगा जो आपके लिए बेनिफिशियल हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और थोड़ी सी इस टिप्स को अपने अंदर में मतलब आपके बेटरमेंट के लिए है। इसको अपने जो आज से लेके जेईई एग्जाम तक के जो आपकी दिनचर्या है उसमें इसको लागू करिए। ठीक है, ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दीज हैबिट्स इन योर डे टू डे लाइफ, सो दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन स्कोरिंग अ गुड रैंक, दिस इज माई गारंटी। अगर आपने जितना मैंने बताया उतना आपने कर लिया तो आपकी रैंक डेफिनेटली अच्छी आएगी। बट इसका मतलब ये नहीं कि अपन ने मेहनत करनी नहीं, एस बी सर ने बोल दिया वही करेंगे, बाकी किताब जो है भाड़ में आज ही आग लगा देता हूं ना। मेहनत इक्वली इंपॉर्टेंट है, मेहनत और डायरेक्शन, ठीक है, मेहनत और डायरेक्शन ये दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्या मेरी बात क्लियर है? सो अपन देखते हैं एक एक करके कौन सी टिप्स जो मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस है मैं आपसे शेयर करूंगा। आइए, पहले बात करते हैं। मेरी एक ऑब्जर्वेशन रही है, पिछले कुछ सालों से पढ़ा रहा हूं, जेईई बच्चों के साथ इंटरेक्शन हो रहा है जो जेईई एस्पिरेंट्स हैं। एक ऑब्जर्वेशन मेरी रही है, क्या रही है कि सर अपने सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे हैं, अब हम रिवाइज कर रहे हैं, खच खच, ये अपने नोट्स उठाए, ये रिवाइज किया, वो बहुत अच्छा। अच्छा, कोई एक टॉपिक है, ठीक है, एनी टॉपिक, लेट्स से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का कोई भी एक टॉपिक है, अपन वहां पहुंचे, अपने को डाउट हुआ, अच्छा ये कैसे हुआ, तो हमने क्या किया, दोस्त को फोन लाया, यार मुझे इस टॉपिक में डाउट है, बता मैं क्या करूं। उसने कोई एक फार्स किताब का नाम बता दिया, भाई ये किताब देख ले, मैंने इस किताब से पढ़ा था, मेरे कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गए। आपने क्या किया, आपने वो किताब उठाई, उससे पढ़ना शुरू किया, खच खच, रॉन्ग प्रैक्टिस। एक्चुअली में आप ये समझो, जेईई की प्रिपरेशन के लिए आपके अपने बनाए हुए नोट्स आर बेनिफिशियल देन एनीथिंग एल्स। कोई और नई किताब जेईई एग्जाम से 1-2 महीने पहले बिल्कुल रेफर नहीं करनी है, पूरा टॉपिक खराब हो जाएगा आपका, पूरा टॉपिक, नई नई चीजें देखोगे पूरा टॉपिक। एक्चुअली आपका कोई भी टीचर रहा होगा, कहीं भी किसी से भी आपने पढ़े होंगे तो आपने नोट्स बनाए होंगे, वो नोट्स सीक्वेंस में होते हैं, जब हम उसको रिवाइज करते हैं तो हमारे माइंड में जो पिक्चर बनती है वो पूरी सीक्वेंस में बनती है। जब आप कोई नई बुक रेफर करोगे पूरी सीक्वेंस बिगड़ जाएगी, आपका कॉन्सेप्ट बिगड़ जाएगा, आपको लगेगा कि ऐसा मेरे साथ नहीं होगा बट एक्चुअली में ऐसा होता है, देयर इज अ पिक्चर व्हिच हैपेंस बिहाइंड द स्क्रीन, ऐसा होता है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखें, किसी भी टॉपिक के लिए आप अपने नोट्स रिवाइज करें, नई बुक बिल्कुल रेफर मत करिए। अगर कोई टॉपिक में आपको कोई भी डाउट है तो किसी टीचर से, मोस्ट प्रोबेबली मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंटली वही टीचर जिससे आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा है उसको अप्रोच करिए और उनसे आप अपने डाउट्स क्लियर करिए। बट कोई भी नई बुक एग्जाम से पहले बिल्कुल नहीं उठानी है हमने, क्लियर है एकदम। अच्छा, दूसरी टिप, एक मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन रहा है, पहले आपको एक कहानी सुनाता हूं जो मेरे साथ हुई थी जब मैंने जेईई का एग्जाम दिया था, उसके बाद अपन उस पर आगे बात करते हैं। जेईई एग्जाम मैंने दिल्ली के सेंटर में जेईई एग्जाम दिया था, दिल्ली सेंटर में जैसे ही मैं घुरा तो मतलब एज सून एज आई एंटर्ड द सेंटर तो रूम था, बहुत सारे बच्चे खचाखच बैठे हुए थे, ये वो फलाना डिमका सब अच्छे अच्छे बैठे थे। अच्छा, मेरे जस्ट आगे एक गर्ल कैंडिडेट बैठी थी, उसने भारी मोटा सा चश्मा लगा रखा था, ये चंपी करके बाल चोटी मन बेहतरीन एकदम सूट पहन के, अपने को लगा भाई ये क्या हो गया।
मतलब आप यकीन मानो पूरी क्लास के बच्चे उसको देख के उनको ऐसा लग रहा था यार इसे तो सबसे ज्यादा आता है, एकदम मोटा चश्मा उसका, बेहतरीन। अच्छा एग्जाम शुरू हुआ, अपना सर नीचे। अच्छा एक्चुअली में अगर आपको आता है तो व्हेन यू स्टार्ट डूइंग एग्जाम तो आपको टाइम ही नहीं होता किसी और चीज के बारे में सोचने का, क्योंकि अपना टाइम फ्रेम लिमिटेड होता है। ठीक है, सो मैंने अपना हेड डाउन किया, मैंने पेपर स्टार्ट, आई स्टार्टेड सॉल्विंग द एग्जाम, मैंने पूरा एग्जाम सॉल्व किया, आखिरी में मार्कशीट पढ़ के मैं बाहर। अच्छा उस टाइम पे दो पेपर होते थे, सेकेंड पेपर से पहले जब मैं रूम में मैंने एंट्री करी तो दैट गर्ल कैंडिडेट शी वॉक टू मी और उसने मुझसे बोला यार मुझे एक दो क्वेश्चंस में थोड़ा तुम्हारी हेल्प चाहिए रहेगी, अगर हो सके तो मेरी मदद कर देना। सो बेसिकली द पॉइंट हियर टू बी नोटेड, ऐसा नहीं कि एसबी सर ने चीटिंग कर डाली ना, द पॉइंट हियर टू बी नोटेड है कि जिस लड़की का कॉन्फिडेंस क्लास में सबसे ज्यादा था, जिसको देख के बाकी स्टूडेंट्स का मोटिवेशन डाउन हो रहा था, वो मुझे देख के उसका कॉन्फिडेंस लेवल की ऐसी तैसी होगी। सो द पॉइंट इज कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन, अपने को अपना कॉन्फिडेंस कभी नीचे नहीं करना है। हमको सब आता है मैं एग्जाम अच्छे से क्लियर करूंगा, कभी कभी क्या होता है आप मान लो एग्जाम देने जा रहे हो, आपका कोई फ्रेंड आएगा एक नई किताब खोल के, यार जरा ये सवाल बताना, हो सकता है अनफॉर्चुनेटली उस समय मुझे वो सवाल स्ट्राइक ना करे। अगर वो सवाल आपको स्ट्राइक नहीं किया ना, यकीन मान तो वो पूरी, तुझे लगेगा तेरा पूरा चैप्टर खराब है, तो एक किताब उठाएगा पटपट पूरा स्ट्रेस में पढ़ने लग जाएगा। नहीं, किसी बच्चे के कोई डाउट्स एग्जाम से पहले नहीं लेने हैं। हमको आता है, हम अपने नोट्स पढ़ेंगे, अपनी रिवीजन करेंगे, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए तेरा, चार लोगों का कॉन्फिडेंस कम हो जाए, अरे साला क्या बात है, एग्जाम से बाहर निकलो, अरे पेपर तो बहुत ईजी था। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन बहुत जरूरी है एग्जाम से पहले। आपके दोस्त लोग आपको बोलेंगे यार तुझे वो टॉपिक आता है मुझे बता दे, तुझे ये टॉपिक आता है मुझे बता दे, ना। मैंने तो अपने मास्टर से सीखी थी एक चीज, और मैंने अपने दोस्तों को बोल दिया था एग्जाम के दो महीने पहले, भाई साहब मुझे फोन करना बंद कर दो, मेरा फोन दो महीने के लिए बंद है, मैं किसी दोस्त से बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है किसी ने आपसे कोई सवाल पूछा, अगर आपको नहीं है कॉन्फिडेंस की ऐसी तैसी हो जानी है, सिलेक्शन हो भी रहा होगा तो नहीं होगा। सो कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन एकदम हाइप पे रखना है अपने को, ऐसा नहीं अपने को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन कॉन्फिडेंट एंड ओवर कॉन्फिडेंट। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है बट कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन बहुत रखना है। आपकी फैमिली वालों से भी बोल दीजिए, जितने नेगेटिव माइंडेड पीपल आपके आसपास है उन सबको डिलीट कर दो, हटा दो एकदम, चाचा है, मामा है, ताऊ, आंटी, अंकल, बेटा आईआईटी का सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करेगा, एकदम डिलीट, बोले दो महीने बाद आके पूछना, अभी पूछने की जरूरत नहीं है, क्लियर है एकदम। जितने नेगेटिव लोग हैं उनको लाइफ से डिलीट कर दो एकदम, मिलना ही नहीं है उनसे, ऐसी तैसी कराओ अपनी, अपने को पता है अपने को आता है, अपन कुछ करके आएंगे। क्या बात क्लियर है अच्छे से, कॉन्फिडेंस। अच्छा थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। सो एक्चुअली में क्या होता है, ऐसा सोच जब तुमने 11th क्लास में पढ़ाई शुरू करी होगी, तैयारी शुरू करोगी, सर यूनिट डायमेंशन वाला वेक्टर, काइनेमेटिक्स, रोटेशनल, फालतू ये सब सीक्वेंस में, 12th में आए 12th के टॉपिक सीक्वेंस में। एक्चुअली में जब आप कोई एक टॉपिक पढ़ते हो ना तो क्या होता है, आप उस टॉपिक पे बहुत सारी प्रैक्टिस करते हो, सो अपना वो टॉपिक बहुत अच्छा है, बट वॉट अबाउट आफ्टर 18-20 मंथ्स, एक दो साल बाद वही टॉपिक क्या मुझे अच्छे से याद है, याद होगा, बट क्या मुझे एग्जाम में स्ट्राइक करेगा। The point is this, अगर यूनिट डायमेंशन का सवाल तुझे उस टाइम पे क्लासिक आता था, लेकिन आज दो साल बाद अगर मैं तुझसे यूनिट डायमेंशन का एक क्लासिक क्वेश्चन पूछूं, क्या तुझे स्ट्राइक करेगा कि ये यूनिट डायमेंशन क्वेश्चन है। This I am talking about physics. ऐसा मैथ्स में भी होता है, केमिस्ट्री में भी होता है। So what I want to tell you is the best practice before the exam is past papers. Actually, में जब आप कोई पेपर उठाते हो ना, किसी भी एग्जाम की बात कर रहे हैं, जनरल आई, अपन सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड, नीट, आईआईटी, कोई भी एग्जाम की बात करो, एक्चुअली एग्जाम से पहले जब आप पास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाते हो, उसमें क्या होता है, सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन क्लब इन करके कंबाइन, सो टाइम देखना है, घड़ी रखनी है, और पास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स सारे लगाने हैं, लाइन से सारे पेपर्स लगा डाल। उसका एडवांटेज क्या होगा, सारे टॉपिक्स रिवाइज होंगे बहुत अच्छे से जिस पैटर्न में वो आते हैं। सो द पॉइंट इज, जब मैं जेई का एग्जाम देने जाऊंगा, क्वेश्चन देख के मुझे स्ट्राइक करना चाहिए। अभी अभी आपके दिमाग में 12 के टॉपिक्स फ्रेश होंगे, 11 के टॉपिक्स उतने फ्रेश नहीं होंगे, ऐसा होता है, जो तेरे साथ हो रहा है मेरे साथ भी हो चुका है। सो ऐसा होता है, 11 के टॉपिक्स उतने फ्रेश नहीं होते क्योंकि अपन ने एक साल पहले पढ़ा होता है, बट 12 के टॉपिक्स बहुत फ्रेश होते हैं, क्यों, इसी साल पढ़ा है। सो पास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पूरे पूरे लगा डालो, पूरे पूरे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आखिरी तक सारे पूरे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सो उसमें क्या होता है, सारे चैप्टर्स के क्लब इन क्वेश्चन होते हैं, सारे कंसेप्ट क्लब इन होते हैं, तो सब चीजें हमारा माइंड क्या उसको सेट करेगा कि हमको क्वेश्चन देख के स्ट्राइक करना चाहिए कौन से टॉपिक से है। क्लियर है मेरी बात। अच्छा फोर्थ टिप की बात करते हैं, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब मेरा ये नहीं है कि सर 3 घंटे का पेपर है, एकदम घड़ी की टिक टॉक चालू कर दी और उसमें हम पूरा पेपर सॉल्व कर रहे हैं ना।
टाइम मैनेजमेंट से मेरा मतलब ये है कि अगर अभी तक सपोज सपोज जनरलाइज लेता हूं, सपोज ऐसा समझो कि फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, इस चीज को थोड़ा समझेंगे अपन कैसे, हाउ इट विल हेल्प यू। सपोज ऐसा मान दोपहर का टाइम लेता हूं, सपोज मान ले कोई भी एग्जाम है जो दोपहर में 2 to 5 के बीच में हो रहा है, 2 से 5 के बीच में कोई भी एग्जाम हो रहा है, ठीक है। सो मैं क्या करूंगा, 2 महीने पहले से 2 से 5 के बीच में मैं घड़ी सेट करके पेपर्स लगाने स्टार्ट करूंगा। उससे क्या होगा, मेरा माइंड इस चीज को अडेप्ट करेगा कि 2 से 5 के बीच में मुझे नींद ना आके मेरे सारे कंसेप्ट रिवाइज हों दिमाग में। मतलब जब मैं पेपर देने जाऊं तो 2 से 5 के बीच में मुझे नींद ना आए और मेरा दिमाग उस डायरेक्शन में काम करे कि मुझे पेपर अटेम्प्ट करना है। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो द पॉइंट इज कि जिस भी टाइम आप, जो आपका एग्जाम का टाइम होता है ना, नीट का टाइम है, आईआईटी का टाइम है, जो भी टाइम है आपका, जो एग्जाम का टाइम है, उसी टाइम फ्रेम में आज से लेके एग्जाम तक डेली क्वेश्चन पेपर लगाइए। घर में सबको बोल दीजिए इस टाइम के बीच में मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। हो सकता है पहले दिन तुझे लगे यार नींद आ रही है, रात में सोए नहीं, दूसरे दिन लगे नहीं यार भूख लग रही है, प्रैक्टिस में जाना है। यकीन मान मेरा, जैसे जैसे अगस्त आएगा उस टाइम के बीच में तेरा कॉन्सेंट्रेशन लेवल एकदम हाइक हो जाएगा, बिकॉज योर माइंड हैज अडेप्टेड दैट एक्टिविटी कि भैया ये 3 घंटे के बीच में तो ये लड़का पढ़ाई करता है। सो वो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। क्लियर है एकदम? अच्छा ठीक है, फिफ्थ टिप पे आते हैं। एक्चुअली में फिफ्थ टिप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। फिफ्थ टिप इज हेल्थ, अपने को अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना है। मेरी बात सुन, तो पूरे साल 2 साल तूने रगड़ के मेहनत करी एकदम, तो ऑल इंडिया रैंक 1 कैंडिडेट है, एग्जाम से पहले तेरी हेल्थ खराब हो गई, कोई फायदा नहीं है। सो आज से रूटीन बांध लो, बाहर का खाना एकदम बंद, घर में मम्मी बनाएगी, अच्छा खाना खाएंगे हम, हेल्दी फूड, टेक इन हेल्दी फूड, बाहर निकलना बंद कर दो, लॉकडाउन का समय है, थोड़ा एक्सटेंड कर लो अपने लाइफ में लॉकडाउन। अगर को करिकुलर एक्टिविटीज आप करते हो, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई स्टूडेंट है, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, रोज 1 घंटा क्रिकेट खेलो। आपको गाना गाना पसंद है, रोज गाना गाओ। डांस करना पसंद है, रोज डांस करो। कीप इन्वॉल्व इन समथिंग एल्स ऑल्सो, सिर्फ ऐसा नहीं कि दिमाग में किताब का स्ट्रेस बढ़ते जा रहे हैं, ये किताब पढ़ ली, वो पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, पूरी पूरी एचसीवी दोबारा लगा ली, ना। बी वेरी फ्री, फ्री रहो, कॉन्फिडेंस ऊपर रखो, मोटिवेशन ऊपर रखो और अपना हेल्थ अच्छे से रखो। लेट योर स्ट्रेस डोंट अफेक्ट योर हेल्थ, ठीक है। सेहत बहुत जरूरी है, आपको कोई भी बीमारी पकड़ लेगी आपकी पूरी 2 साल की मेहनत एकदम वेस्ट, पानी, कोई काम नहीं आना। क्लियर है एकदम? तो हेल्थ का अटमोस्ट ध्यान रखिए, अटमोस्ट, सबसे ज्यादा। क्लियर है एकदम? अच्छा, तो ये थी 5 टिप्स जो मुझे लगता है मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस से, मैंने जब एग्जाम दिया था तो मुझे लगता है सबसे क्रूशियल होती हैं, आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए। सो इन 5ों बात का बहुत ध्यान रखिए। अगर आपको लगता है मैंने सारी बातें सही बोली हैं, इट इज रियली गोना हेल्प यू, सो प्लीज अपने फ्रेंड से भी शेयर करिए, क्योंकि जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों से हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा लोगों को ये बेनिफिट होगा। अगर आपको बेनिफिट होता है तो बहुत अच्छी बात है, और यकीन मान मेरा बेनिफिट होगा ही होगा। दूसरी गलतियों से अपन सीखते हैं, तुम्हारी कोई गलती होगी उससे मैं सीखूंगा, मेरी गलतियों से आप सीखिए। क्लियर है एकदम? सो मेरी तरफ से सारे स्टूडेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल दी बेस्ट, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। आपने एक्चुअली तैयारी आप कर चुके हैं, यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, अब सिर्फ अपने को परफॉर्म करना है, ठीक है। परफॉर्मेंस को कैसे इंक्रीज करना है उसकी 5 टिप्स मैंने आपको बताई हैं, इन्हें ध्यान में रखना है। सेहत का बहुत ध्यान रखिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करिएगा, एंड जस्ट बी फ्री इन द माइंड, किसी चीज की स्ट्रेस नहीं लेनी। क्लियर है? बाकी कोई रिकमेंडेशन हो आपकी, कुछ आपको लगता हो आपको हेल्प किया है नहीं किया है, कोई भी साइकोलॉजिकल कोई भी ऐसा इशू हो जो आपको पर्सनली डिस्कस करना है, डिस्क्रिप्शन पे जाइए, मेरे कॉन्टेक्ट दिए हैं, प्लीज कॉन्टेक्ट मी, विल डेफिनेटली हेल्प यू। पूरा 24 घंटे अवेलेबल है आपके लिए, बस रात में कॉल मत कर देना, गलती मजाक कर रहा हूं, कर लेना, कोई बात नहीं। क्लियर है एकदम? ठीक है, ओके।